हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। पीएनबी की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जहाँ पे एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। देखते रहेगा पूरा वीडियो दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, किस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन करना है, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे दोस्तों। जो पोस्ट आया है यहाँ पर आप लोग, उसको तो पहले आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ लिंक को जाके क्लिक कीजिए। उसमें आप लोग को हर एक जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 22 अप्रैल 2022 से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 मई 2022 तक यहाँ पे आपका होने वाला है, लास्ट डेट है। मैनेजर के पोस्ट यहाँ पे निकल के आया, मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर रिक्स एंड सीनियर मैनेजर ट्रेजरी के ऊपर वैकेंसीज निकल के आया है। यहाँ पे 145 टोटल पोस्ट है। मैनेजर रिस्क के 40 पोस्ट वैकेंसी निकल के आया, जिसका सैलरी 48,000। मैनेजर के लिए 100 वैकेंसी, जहाँ पे 48,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। सीनियर मैनेजर के लिए 5 वैकेंसीज है, 63,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी, हर एक कैंडिडेट के लिए अलग से जो है यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आया है। यहाँ पे अगर बात करें एप्लीकेशन करने के लिए, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए जो एज लिमिट है, मिनिमम 20 ईयर्स से 35 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। मैनेजर क्रेडिट के लिए, यहाँ पे मैनेजर क्रेडिट के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, सीए और चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट ग्रेजुएशन पास और एमबीए इन फाइनेंस में होना चाहिए। इस यहाँ से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, मिनिमम वन ईयर के जो है यहाँ पे काम करने के एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आपको सब कुछ सेम आपको दिया जाएगा, सेम क्वालिफिकेशन सब कुछ। और इसी के साथ अगर आप सीनियर पोस्ट जो है सीनियर मैनेजर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 25 से 37 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकल के आ रहा है, इस सीनियर मैनेजर के लिए चार्टर्ड अकाउंट एनालाइज्ड और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। 3 इयर्स के वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। एप्लीकेशन करने के लिए जो है एज क्राइटेरिया जहाँ दिया गया है, उसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स के एज रिडक्शन, ओबीसी के लिए 3 इयर्स के एज रिडक्शन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स के वर्क एज रिडक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे आपको रिटेन एग्ज़ाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, जिसके थ्रू आपको सिलेक्शन किया जाएगा। जो यहाँ पे सिलेक्शन में बता दिया जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर जो है मैक्सिमम 100 मार्क्स के यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 200 मार्क्स के जो है यहाँ पे 120 मार्क्स के जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरव्यू भी होने वाला है, जिसको भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे जो है आपको क्वालिफाई करना होगा। जो एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगहों में जो है होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके सिटीज़ के आसपास जो है आपका जो यहाँ पे देख सकते हो आपका एज एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। एप्लीकेशन करने के लिए एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़, अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आकर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि ऑनलाइन में आपको पे करना होगा।
तो एप्लीकेशन आपका पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट में कर सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज की अपडेट, पीएनबी की तरफ से आया है। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए कॉमेंट कीजिए, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।